हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट बनने वाली और बहुत आसान वेजिटेबल मैगी मसाला नूडल्स की रेसिपी। वैसे तो मैगी बनाना हर किसी को आता है और इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन इस सिंपल मैगी को मैं बनाऊंगी और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इंडियन स्टाइल में बच्चों से लेके बड़ों की सबके फेवरेट और बहुत टेस्टी इस वेजिटेबल मैगी मसाला को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो छोटे मैगी नूडल्स के पैकेट लिए हैं। आप किसी भी ब्रांड के यहाँ पर नूडल्स ले सकते हो। इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ वेजिटेबल जैसे मटर, बारीक कटी गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटी प्याज, बारीक कटे टमाटर, बारीक कटी एक हरी मिर्च और बारीक कटी अदरक ली है। तो आप अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल यहाँ पर ले सकते हो और वेजिटेबल की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हो। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, तो इसमें मैं ऐड करूंगी ये एक चम्मच ऑयल। साथ ही यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये बटर। तो बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डालें। तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें बारीक कटी हुई लहसुन भी ऐड कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी ये 1/4 चम्मच नमक। तो टेस्ट मेकर में भी नमक होता है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी ये दोनों टेस्ट मेकर। तो मैगी के साथ मिलने वाले दोनों टेस्ट मेकर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, तो कुछ सेकंड तक यहाँ पर इन मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी एक एक करके सभी वेजिटेबल। तो यहाँ पर मैं इसमें ये फ्रोजन मटर के दाने ऐड कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर फ्रेश हरी मटर का यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा पहले बॉईल कर लें। तो यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे से इन सभी को। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूंगी पानी। तो यहाँ पर मैंने ये दो मैगी नूडल्स के पैकेट लिए हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये 1.5 कप पानी। इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको लिक्विडी मैगी ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, तो नूडल्स को मैं यहाँ पर इस तरीके से 2 भागों में तोड़कर ऐड कर रही हूँ। तो इसे एक बार यहाँ पर अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूँगी और ढक्कन लगा कर इन्हें 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी। तो यहाँ पर 4 मिनट का समय हो चुका है, तो इसे चेक कर लेंगे। तो एक बार इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर जो नूडल्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें इसी तरीके से खुले में 1 से 2 मिनट तक और कुक करूंगी। अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और बटर ऐड करूंगी। तो आप इसकी जगह चीज को ग्रेट करके भी इसमें एंड में डाल सकते हो। इन्हें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो अब मैं यहाँ पर लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम अब यहाँ पर बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इस प्लेट में सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार है बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म वेजिटेबल मैगी मसाला। तो आप इस तरीके से इस वेजिटेबल मैगी मसाला की इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।